सी दिस इज द प्रीमियम इकोनॉमी ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस बोस के हैं एंड गाइज मैंने ना ये शैम्पेन लिया है, देखते हैं ये स्नैक्स में क्या है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ इनकम लाउंज में, अभी भी बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हुआ जैसे ही मैं अंदर आया। नमस्ते पब्लिक, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो इस वाले वीडियो में हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से सिंगापुर इन सिंगापुर एयरलाइंस A380 प्रीमियम इकोनॉमी। 1 अप्रैल से केबिन से लेके पूरी सर्विसेज प्रीमियम इकोनॉमी की बदल चुकी हैं सिंगापुर एयरलाइन में। तो जो भी वीडियोस पास्ट में यूट्यूब में डले हैं प्रीमियम इकोनॉमी के सिंगापुर एयरलाइंस के, अब बिल्कुल बदल चुका है। दिस इज़ हाईली एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट, तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करना, इस वीडियो को लाइक करना, जितना चाहो उतना शेयर करना ताकि मैक्स से मैक्स लोग इस वीडियो को देख सकें, वीडियो को इन्जॉय कर सकें। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हरी भाई हम आपको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आती है आपके इस वीडियोज़ में। आप सिर्फ वीडियो शेयर करो, मैक्स से मैक्स सारे दोस्तों को भेजो। यूट्यूब थैंक्स के ज़रिए आप चाहो तो कुछ सपोर्ट भी कर सकते हो, अगर आपका मन है, अगर आपका विश है मुझे सपोर्ट करने का। वैसे तो सारी ट्रिप्स ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, जो भी भाई मैं मेहनत से कमाता हूँ मैं आपके लिए कंटेंट बनाने में उसे मैं यूज़ करता हूँ। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो अगेन तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। और आगे का जो सेक्टर है, जो अगला सेक्टर है, वो भाई आपके लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। प्रीमियम इकोनॉमी में लाउंज नहीं मिलता है, प्रीमियम इकोनॉमी में प्रायोरिटी चेक इन मिल जाता है, जो आपने देखा। और सिंगापुर एयरलाइंस के सारे पैसेंजर्स मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं, उस केस में लाइंस बहुत लंबी रहती हैं। प्रीमियम इकोनॉमी लेने का बहुत फ़ायदा होता है, खासकर सिंगापुर जैसी एयरलाइन में। और ये A380 का प्रीमियम इकोनॉमी है, इट इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। द इंटरनेशनल साइड बहुत सारे फीचर्स हैं प्रीमियम इकोनॉमी के जो मेरे फेवरेट हैं, उसमें से एक है बुक द कुक। अगर आप प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करते हो सिंगापुर एयरलाइंस में, तो आप पहले से कस्टमाइज मील ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए, तो ये बुक द कुक में आपको सिंगापुर ऐप में मिल जाएगा। उसके अलावा वेदर चेक कर सकते हो सिंगापुर का सिंगापुर ऐप में, और करेंसी रेट एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपके लोकल करेंसी से वो भी आप चेक कर सकते हो सिंगापुर ऐप में। तो 1970s में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था प्रीमियम इकोनॉमी बाय ईवा एयर, जो कि एक ताइवानीज एयरलाइन है, एवरग्रीन क्लास नाम दिया था। 2016 में सबसे पहली बार अमेरिकन एयरलाइंस ने प्रीमियम इकोनॉमी का जो नाम है वो इंट्रोड्यूस किया। बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं इस एविएशन इंडस्ट्री में, जिसमें से एक का नाम है सौदीप्ता। चल आ जा व्लॉग में, आ जा। नहीं भाई, व्लॉग नहीं करना है। पक्का नहीं आएगी? आर यू श्योर? आई एम श्योर। सो प्लीज मीट सौदीप्ता, सही बोल रहा हूँ ना प्रोनाउंसिएशन? तो ये मेरी फ्रेंड है, शी इज इन इंडिगो। जरा कमेंट करके बताओ आपको इंडिगो कैसी लगती है, एंड अगर कुछ फीडबैक हो तो मैं इसको बताऊंगा, एंड दे विल ट्राई टू इंप्रूव। कोशिश करेंगे सुधारने की। या डेफिनेटली। ठीक है, चल नाइस मीटिंग यू। आई तो नहीं बोल रहा, छोड़ के आऊंगी मैं इसको गेट। कहां? अभी गेट खुला नहीं होगा। तो एक सेक्टर मेरा अलग है और एक सेक्टर प्रीमियम इकोनॉमी है। तो प्रीमियम इकोनॉमी में लाउंज नहीं मिलता है, बट स्टिल आई विल ट्राई माय कार्ड की आई होप मेरा कार्ड चल जाए। लगभग 6 घंटे की फ्लाइट है हमारी A380। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट। बहुत सालों पहले जो सिंगापुर एयरलाइंस था वो मलेया एयरलाइन से चलता था, उस नाम से चलता था। 1947 की बात कर रहा हूँ। 1970s आते आते जो है मलेशियन एयरलाइन और सिंगापुर एयरलाइन का बंटवारा हो गया, दोनों अलग अलग एयरलाइन हो गई, और सिंगापुर एयरलाइन ने सबसे हाईएस्ट अवार्ड्स जीते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस्ट क्रू, इन टर्म्स ऑफ बेस्ट बिजनेस क्लास, इन टर्म्स ऑफ बेस्ट सर्विसेज, बेस्ट 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 सबसे ज़्यादा। सिंगापुर एयरलाइन $16 मिलियन खर्च करता है शैम्पेन्स और वाइन्स में हर साल, लगभग $700 मिलियन खर्च करता है खाने में, और दुनिया में बेस्ट शेफ्स, top 8 शेफ जो हैं वो मेन्यू डिसाइड करते हैं सिंगापुर एयरलाइंस का। उसमें से एक संजीव कपूर भी हैं, इंडिया से जो फ्लाइट्स होती हैं उसका मेन्यू डिसाइड करते हैं फॉर सिंगापुर एयरलाइंस। तो आप समझ रहे हो ना किस हद तक सब चीज़ें बेस्ट 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 की हुई हैं। एमिरेट्स के पूरे कंपटीशन में है भाई सिंगापुर एयरलाइंस। इसका प्रीमियम इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि जो लोग बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमको कुछ बेटर मिल जाए इकोनॉमी से। तो प्रीमियम इकोनॉमी का जो प्राइस है वो बिजनेस से रहता है आधा। ये आ गया हूँ मैं लाउंज, देखते हैं भाई मेरा कार्ड चलता है कि नहीं। इनकम लाउंज है, मैं आ चुका हूँ इनकम लाउंज में। एक्चुअली मैंने ऑफकोर्स कोटक का जो है वो चेंज कर लिया था चाइना में, आपको पता है मेरे साथ क्या सीन हुआ था। इनकम लाउंज में मुझे एक्सेस मिल गया। तो डोमेस्टिक का तो बहुत खराब एक्सपीरियंस था, फिर रिमेंबर अभी भी बहुत खराब एक्सपीरियंस हुआ जैसे ही मैं अंदर आया। तो एक बंदा खड़ा हुआ था, कहता कि कैमरा नीचे करो। यार आप गेस्ट को आप सीधा ही आके इतना खतरनाक खौफनाक फील करा देते हो, ऐसा क्या कर रहे हो जो आप? तो देखो अगर कहीं पे भी आपको बोला जाए ना, खासकर लाउंज में, समझो कि कुछ भाई यहाँ पे घपला चल रहा है और ये लोग नहीं चाहते कि एक्सपोज हो जाए। तो
वन मेजर डिफरेंस गाइज, अगर आप इनकाम लाउंज में आते हो इंटरनेशनल साइड में, इसमें कार्ड में भी ड्रिंक्स अनलिमिटेड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हार्ड ड्रिंक्स दोनों। लेकिन जो 080 लाउंज था बैंगलोर से ट्रेवल किया था आपको याद होगा, उसमें कार्ड होल्डर्स के लिए सिर्फ 2 ड्रिंक्स अलाउड थी, यहाँ पे इट्स अनलिमिटेड। भाई ये तो मतलब सही में अच्छी चीज है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब मेरा कार्ड चल जाएगा इधर, बट चल गया। थोड़ा नया लाउंज है ये, मुझे पहले भी लोगों ने कहा था कि हैरी भाई जो इंटरनेशनल वाला इनकाम है दैट इज गुड, ड्रिंक्स आर अनलिमिटेड और फूड इज अनलिमिटेड ऑफ कोर्स, वो तो बुफे है। भाई ये है बुफे काउंटर और ये है स्वीट्स वगैरह, नॉर्मल से ही लग रहे हैं, ऐसा कुछ फैंसी वगैरह तो नहीं है। चपातीस वगैरह हैं क्योंकि शाम हो रही है, तो यहाँ पे पास्ता वगैरह है, नॉनवेज में आई थिंक होम स्टाइल चिकन है, तो ये आई थिंक सैलेड वगैरह के ऑप्शंस हैं। जो मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरा सिटिंग एरिया बना है अलग से, खाने का एरिया उधर है, सिटिंग एरिया इधर है, उतना बड़ा लाउंज तो नहीं है ऑफ कोर्स जो आप देख चुके हो इन द पास्ट, बट फिर भी ठीक ठीक ही है, मतलब उतना खास नहीं है। मच्छर वगैरह बहुत ज्यादा है और खाना वगैरह भी ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, कोई आके उठा भी नहीं रहा है। खाने में तो आपने देख ही लिया क्या क्या है, सेम मतलब खाना था। मैंने ना ये पनीर और कुछ डेजर्ट चिकन पास्ता लिया है सिर्फ आपको टेस्ट बताने के लिए, वैसे मेरा मन नहीं है सब खाने का, अभी फ्लाइट में फिर मुझे मिल जाएगा, और मुझे ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। पास्ता ट्राई करते हैं एक बार, हालांकि जितना है पुराना दिख रहा था उतना है नहीं, टेस्ट इज वेरी गुड, पास्ता इज गुड, और ये जो साग पनीर है ये भी बहुत बढ़िया है, दाल बहुत एवरेज है, दैट्स नॉट गुड। ट्राई करते हैं एक बार ये चिकन, देखते हैं भाई ये चिकन कैसा है। चिकन मुझे बहुत एवरेज लगा, काफी पुराना लग रहा है, पनीर बढ़िया है, पास्ता बढ़िया है, दाल बहुत एवरेज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्राई करते हैं ये डेजर्ट, तो ये बिल्कुल केक जैसा कुछ ब्राउनी है, वो सस्ती ब्राउनी होती है ना। लाउंज वॉज वेरी फाइन, खाना ठीक ही था, बट अभी हम जा रहे हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, दैट इज 15, और बोर्डिंग गेट एक्चुअली वहां से जाना है। देखो टर्मिनल 3 में ना ये प्लेइंग एरिया भी है जहाँ पे बच्चे वगैरह अपना आराम से गेम वेम खेल सकते हैं। जो न्यू बॉर्न्स है ना अगर सिंगापुर एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए जो रूल्स हैं वो अलग है, अप टू 10 kg वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं न्यू बॉर्न्स, बहुत चीजें कैरी करनी पड़ती है। 4 टाइप की यूनिफॉर्म्स हैं सिंगापुर एयरलाइंस में और चारों डिफरेंट कलर्स की हैं एक ही प्लेन में। तो बोर्डिंग है भाई स्टार्ट हो चुकी है हमारी सिंगापुर की, ये प्रायोरिटी लेन है कि बिल्कुल जैसे ही हम आए लाउंज से सामने ही गेट है। अच्छा जो गेट होते हैं ना इसका भी मेरे को लगता है कि प्राइस वगैरह होता होगा, जो कि सबसे ज्यादा पास है लाउंज के उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो बिल्कुल 15 मतलब जैसे ही आप एंटर करोगे ना एयरपोर्ट सामने ही गेट है। फाइनली बोर्डिंग द A380 ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस इन प्रीमियम इकोनॉमी, तो सामने देख रहे हो दैट इज अ डबल डेकर प्लेन। 9:55 को हम डिपार्ट करेंगे इंडिया से, सामने मेरे खड़ा है A380 लुफ्तांजा का, तो हाँ कभी मौका मिला तो उसमें भी ट्रैवल करेंगे। बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, अगर यहाँ तक भी देखा है तो प्लीज शेयर कर दो। तो ये प्लेन बहुत ही बड़ा है भाई साहब, ये जो लाइन है ये सेपरेट है प्रीमियम इकोनॉमी की, एंड दिस इज फॉर इकोनॉमी जो ग्लास के उस साइड देख रहे हो। तो एरो ब्रिज ही बिल्कुल डिफरेंट है, और हमारी जो सीट है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्वीट्स के बिल्कुल नीचे है, मतलब जो स्टेयर्स होती है A380 में, आपको पता होगा आपने एमिरेट्स में देखा होगा, अगर चाहो तो ईयरफोन उठा सकते हो, बट हमें मिलेंगे ऑलरेडी, एंड दिस इज अपग्रेडेड प्रीमियम इकोनॉमी। दिस इज द प्रीमियम इकोनॉमी ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस, हमारा है 37K, आई थिंक द लास्ट वन, या सो दिस इज़ अ सीट फॉर प्रीमियम इकोनॉमी, और 6 घंटे के लिए भाई हम यहीं बैठेंगे 37K। तो ये पहले से पिलो टाइप का पड़ा हुआ है मेरी सीट पे, एंड दीज आर दी ब्लैंकेट्स, यहाँ ऊपर लिखा ये देखना ये कौन सा है, और छत्ती होगा आई थिंक, पाजी ये आपका बीच वाला होगा। फिर प्रीमियम इकोनॉमी में लेग स्पेस बहुत ज़्यादा मतलब दी जाती है कंपेयर टू इकोनॉमी, एंड द मेजर डिफरेंस इज हमें बोज के ईयरफोन्स मिले हैं, और ये अपग्रेडेड है बाय द वे, ऐसा पहले नहीं था, अभी जो है 1 अप्रैल से इन्होंने अपग्रेड किया है, बोज के ईयरफोन देने लग रहे हैं। एंड द एयरक्राफ्ट इज द ग्रैंड द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, A380-800 है हमारा एयरक्राफ्ट, और यहाँ पे मैगजीन होल्डर वगैरह दिया है सामने, और ये जो यहाँ पे स्क्रीन्स दी हैं IFE बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की लग रही है, बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आ रही है मुझे इस सीट पे आते ही। लेग स्पेस दैट इज आउटस्टैंडिंग, 2 विंडो शीट मिली है मुझे यहाँ पे, यहाँ पे मुझे IFE कंट्रोलर भी दिया हुआ है जिसको मैं यहाँ पे प्रेस करके निकाल सकता हूँ, आई कैन कंट्रोल द IFE फ्रॉम हियर, इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी इसको मैं अंदर रख देता हूँ, और अगर मुझे कुछ जूस आया है या फिर कुछ भी ड्रिंक्स आई है आई कैन कीप इट हियर इफ आई वॉन्ट टू। अब आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे ट्रे टेबल किधर है, तो ट्रे टेबल आएगा यहाँ से, एंड ये को यहाँ पे लिखा हुआ है लिफ्ट हियर, इसको पुल करोगे ना तो यहाँ से
ये आ जाएगा आपका ट्रे टेबल एंड यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर नीड. दिस इज द ओवरऑल प्रीमियम इकोनॉमी. तो प्रीमियम इकोनॉमी कभी भी खाली नहीं जाएगा. 1970s में जब ईवा एयर ने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रीमियम इकोनॉमी निकाला था, सोच के निकाला था कि क्यों ना हम कुछ ऐसा निकालें जो बिजनेस से सस्ता हो और इकोनॉमी से महंगा हो, बट उसमें जो सर्विसेज हों वो इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा हो. अगर मुझे रिलैक्स होना है तो यहाँ पे दो बटन्स दिए हैं, इसमें से जो राइट वाला है जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये जो आ गया हमारा काफ सपोर्ट, मेक्स थिंग्स इवन मोर बेटर. दो बटन्स दिए हैं, एक है टेक ऑफ पोजीशन तो यहाँ पे USB पोर्ट भी दिए हुए हैं दो दो, और यहाँ पे हेडफोन जैक दिया हुआ है. तो जो हेडफोन दिए ना आपको, उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो चाहो तो. एंड यहाँ पे रीडिंग लैंप्स दी हुई हैं, तो ये जो है आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है एंड इसको ऑन करोगे तो ये रीडिंग लैंप चालू हो जाएगी. इसको मैं चाहूँ तो ऐसे फोल्ड कर सकता हूँ, सीधा कर सकता हूँ, हाउ एवर आई वॉन्ट आई कैन मेक दिस. और ये जो देख रहे हो कुशन, ये भी ऐसे एडजस्ट हो जाता है. अगर अपने साथ आप फोन कैरी कर रहे हो, ऑफकोर्स जो कि करोगे ही करोगे, फोन को आप यहाँ पर रख सकते हो, बिकॉज बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि फोन जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है फ्लाइट में, उसको आप यहाँ पे चाहो तो रख सकते हो. एंड दीज आर दी मैगजीन होल्डर्स जो कि बहुत हाई क्वालिटी की लग रही है. यहाँ पे भी सामान रख सकते हो, यहाँ पे भी सामान रख सकते हो. तो अगर आप सोच रहे हो भाई प्रीमियम इकोनॉमी में रिक्लाइन कैसे करें, ये जो देख रहे हो ना ये लेफ्ट वाला बटन, इसको प्रेस करना तो ये पीछे पूरा रिक्लाइन हो गया. सामने का जो एक काफ सपोर्ट है ये भी खुल जाएगा, पीछे भी रिक्लाइन हो गया, आगे भी जो है काफ सपोर्ट आ जाएगा एंड यू कैन कंफर्टेबली एंजॉय द फ्लाइट. और इसके लिए जो आप पैसे दोगे दैट वुड बी फार मोर लेस देन बिजनेस क्लास. ये जो मैंने लाइट चालू की हुई है ये क्योंकि A380 है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, प्लेन इज ह्यूज इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, तो आपकी जो आपका जो हाथ है ना ऊपर तक नहीं पहुंचेगा. तो यहाँ पे आई प्रेस दिस और लाइट हो गई बंद. ऑल्सो दीज पिलोज आर ऑफ सुपर सुपर हाई क्वालिटी. लगभग भाई 6 घंटे की फ्लाइट है, मैंने जो टिकट बुक किया है मेंबरशिप नंबर है अपना वो डाल के मैंने ये टिकट बुक किया है. सो मुझे पॉइंट्स मिले हैं एंड उस पॉइंट्स को मैं आगे यूज कर सकता हूँ फिर से बुकिंग करने के लिए इफ आई एम ट्रैवलिंग इन सिंगापुर एयर. तो ये जो इंजन देख रहे हो दिस इज A380, चार चार इंजन है इस प्लेन के अंदर एंड दिस इज वेरी ह्यूज एयरक्राफ्ट. सीट बेल्ट इन प्रीमियम इकोनॉमी आर फार मोर ह्यूज. भाई इंसान कितना भी बड़ा हो इसके अंदर फिट आ ही जाएगा. जो ब्लैंकेट वगैरह है ये भी बहुत हाई क्वालिटी के है. ये रहे हमारे नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स. जरा इसकी पैकिंग देखो, जो ग्राउंड स्टाफ था उसने मुझे बताया था कि ये भाई बोस के हैं एंड यही सेम आपको बिजनेस क्लास में मिलेंगे. ये हेडफोन्स को अभी अभी अपग्रेड किया गया है. इट इज रियली रियली ऑफ हाई क्वालिटी. ऑफ कोर्स इन्होंने ब्रांडिंग वगैरह आई थिंक हटा दी है. आई कैन फील द नॉइस कैंसिलेशन. अभी तो मैंने मूवी प्ले भी नहीं की है तो भी बाहर की आवाज पूरी कम हो गई है मेरे लिए. तो सॉकेट्स यहाँ पे हैं जहाँ पे आई कैन कनेक्ट द इंटरनेशनल अडैप्टर. और यहाँ पे पानी की बॉटल्स हैं क्योंकि पहले से रखी हुई हैं हिमालयन कंपनी की. तो यहाँ पे और भी कुछ दिया है, ईयर पैड्स. अरे वाह भाई, हेडफोन के साथ आप चाहो तो ये ईयर पैड यूज़ कर सकते हो इन्फेक्शन से बचने के लिए. तो यहाँ पे देखो ये भी चीज़ दी हुई है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ. जो मेरा अगला वीडियो है वो बैक टू बैक बनेगा तो मुझे अपना फ़ोन भी पूरा चार्ज करना पड़ेगा एंड आई बिलीव कि मुझे अपना चार्जर भी निकाल लेना चाहिए. थैंक यू. तो हमें ये हॉट टॉवल्स मिले हैं और ये अभी भी मिलना शुरू हुए हैं, पहले नहीं मिल रहे थे. तो 1 अप्रैल से दे अगेन स्टार्टेड टू गिव दिस हॉट टॉवल्स. तो इसको आप अपने मुंह में रख सकते हो एंड यू वुड रियली रियली फील फ्रेश. ऑल्सो मैंने ये अपना इंटरनेशनल अडैप्टर निकाल लिया है क्योंकि मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा. And the flight time to Singapore approximately 5 hours. The weather on route is going to be generally fair. However, in the initial part, yeah. And keep your shoes on. If there is a change in cabin pressure, an oxygen mask will automatically drop in front of you. The touch is so damn good. बहुत टाइप की मूवीज हैं, Aquaman, Avengers, The Dark Knight, Titanic. आपको ऑन बोर्ड वाईफाई भी मिलता है, खासकर प्रीमियम इकोनॉमी में तो मिलता ही मिलता है. जो इनकी फ्लीट है 147 फ्लीट्स हैं सिंगापुर एयरलाइंस की और एवरेज जो एज है पर एयरक्राफ्ट की वो अराउंड 7 years ओल्ड है. सारे एयरक्राफ्ट अपग्रेडेड हैं और रेनोवेटेड हैं, टाइम बाई टाइम उनको अपग्रेड किया जाता है.
मैंने ना ये शैम्पेन लिया है, लिटरली इट्स वेरी गुड. ऑफ कोर्स अब कुछ तो डिफरेंस रखेंगे ना बिजनेस और एक प्रीमियम इकोनॉमी में. उस हिसाब से द ग्लास इज वेरी नाइस. थैंक यू. तो सर्विसेज बहुत जल्दी हो जाती हैं प्रीमियम इकोनॉमी में, बिकॉज इसका कैबिन पूरा अलग है, डिफरेंट है. जो इकोनॉमी है वो पीछे है हमारे, कर्टेंस लगे हुए हैं बीच में. प्रीमियम इकोनॉमी का क्रू है, दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट. इसकी वजह से सर्विसेज आर मच बेटर एंड मच फास्टर. तो लगभग 4 घंटे की फ्लाइट और बची होती है और मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ म्यूजिक. एंड दीज विंडो शीट्स आर एब्सोल्युटली ह्यूज कंपेयर टू 777 या A350. आप चाहो तो इसको ऊपर से बंद भी कर सकते हो, बट कोई धूप आएगी नहीं क्योंकि 6 बजे तक तो हम सिंगापुर में ही होंगे. तो शैम्पेन मेन्यू सिंगापुर एयरलाइंस का इज़ बाय फार वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव. एज आई सेड कि लगभग $6 मिलियन साल का सिर्फ शैम्पेन और वाइन्स में खर्च करता है सिंगापुर एयरलाइन. जो क्रू है वो आपको सिंगापुर और इंडियन दोनों मिलेगा अगर आप फ्लाइट इंडिया से लेते हो तो. सिंगापुर एयरलाइंस की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, जैसे कि स्कूट एक और कंपनी है सब्सिडरी जो टेक्निकल चीज़ें बनाती हैं बाकी एयरक्राफ्ट के लिए. 97 क्लाइंट्स हैं SIA के. बहुत सारी सब्सिडरीज हैं सिंगापुर एयरलाइंस की. क्वांटस में भी और वर्जिन अटलांटिक में भी इन्वेस्टमेंट है सिंगापुर एयरलाइंस का. दिस इज द वॉशरूम. ये जो है ना ये सेंसर लगा हुआ है इधर, ये जो देख रहे हो दिस इज फॉर सोप. एंड ये जो डस्टबिन है नीचे प्रेस करोगे ना ये देखो यहाँ पे ये ऐसे खुल जाएगा. और यहाँ पे मॉइस्चराइजर भी रखा हुआ है. चीज बोलूंगा प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी का वॉशरूम सेम है. और आगे जाके ना स्टेयर्स लगी हुई हैं, वो मतलब स्वीट में जा रही हैं, वो स्टेयर्स फर्स्ट क्लास के लिए जा रही हैं. तो वो कंटेंट भी आपके लिए बचा हुआ है. मैंने मिरर लगाया हुआ है लेकिन जो मिरर है खराब सा है. मतलब हमारा खाना आ चुका है, मैंने लिया है वेज. प्रेजेंटेशन इज काइंड ऑफ मच बेटर देन इकोनॉमी. जब हमने ट्रैवल किया था आपको याद होगा, जैसे मैंने ऑरेंज जूस लिया है तो ये प्रॉपर ग्लास में आया है. कॉफ़ी के लिए यहाँ पे क्रीमर भी दिया हुआ है. कटलरीज प्रॉपर स्टील की हैं अगर आप प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल करो तो. नैपकिन वगैरह भी दिया है, इसको चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हो. ये ब्रेड वगैरह दिए है. एंड ये कुछ कबाब जैसा लग रहा है मुझे, कुछ स्नैक्स जैसा. एंड लुक एट द कटलरीज, ये प्रॉपर सिरामिक की कटलरीज हैं. वेरी डिलीशियस एंड द प्रेजेंटेशन ऑल्सो इज़ वेरी गुड. हमारा बटर पनीर मसाला, ये है राइस, ये है दाल एंड ये है डेजर्ट. ब्लैकबेरी या ब्लूबेरी लग रही है तो ट्राई करते हैं. ये छोटी वाली स्पून से ये स्नैक्स में क्या है, ये चटनी जैसी कोई चीज़ दी हुई है, कुछ आलू जैसा कटलेट है. एंड इट इज़ वेरी वेरी डिलीशियस, एब्सोल्युटली 10/10. और अगर आप चटनी के साथ खाओगे तो इट इज़ इवन मोर बेटर. टोमेटो कैप्सिकम भी दिए हुए हैं तो ट्राई करते हैं. ये कैप्सिकम टिक्के का फ्लेवर आ रहा है भाई, इसमें प्रॉपर टिक्के का फ्लेवर था. देखते हैं ये पनीर कैसा है. साथ में थोड़े राइस खाते हैं. ये प्रॉपर बटर पनीर मसाला है, स्वीट सा फ्लेवर है, स्पाइसी कम है. इट इज़ गुड, 9+ है. ट्राई करते हैं ये दाल, दाल भी इजीली 9+ है, वेरी वेरी ऑथेंटिक. ट्राई करते हैं ये डेजर्ट, कुछ अलग ही लग रहा है ये भाई, खीर जैसा पता नहीं क्या है. इट इज़ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, टू डिलीशियस गाइस, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ. ख़त्म करते हैं इसको. This weather in Singapore at the moment, fine conditions, the chance for showers in the later part. In fact, window seat के बगल में भी बहुत सारी स्पेस मिल जाती है आपको A380s में. और इकोनॉमी में भी सेम चीज है. वी आर इन सिंगापुर चांगी. आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. बहुत एफर्ट्स लगे हैं, बहुत मेहनत लगी है. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. ऐसे ही कॉन्टेंट अगर आपको और देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब. इट विल हेल्प मी कि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो बना पाऊँ. अब मैं जा रहा हूँ Terminal 2. आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो गाइज. टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.